गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन विच आई विल डील केस नंबर 5। अर्लियर आई टॉट यू अप टू केस नंबर 4, सो वी हैव टू स्टार्ट राइट नाउ केस नंबर 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज केस नंबर 5 टेल्स सेइंग दैट, मीन्स केस नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, क्या बयान कर रहा है। व्हेन लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी, लाइन किसके इंक्लाइंड रहेगा, वीपी के, और पैलर किसके रहेगा, एचपी के। तो लाइन वीपी के इंक्लाइंड, सपोज क्या ये वीपी है और ये एचपी है, तो वीपी के इंक्लाइंड है, क्या है, वीपी के इंक्लाइंड है। लाइन किससे इंक्लाइंड है, लाइन वीपी से इंक्लाइंड है। अब देखिए इंक्लाइन या थीटा बना रहा, एंगल बना रहा, इंक्लाइन हो गया। कतल जैसे लाइन वीपी से इंक्लाइंड रहेगा, एचपी के क्या रहेगा, ये पैरेलल रहेगा, एचपी के ये पैरेलल रहेगा, एचपी के पैरेलल रहेगा, ऑटोमेटिक इंक्लाइन जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिक ये पैरेलल टू एचपी होगा। ये वीपी है और ये एचपी है, ना मत समझ के। आइए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। लाइन जब इंक्लाइन टू वीपी, देन इंक्लाइन लाइन विल बी सीन इन द एचपी। ये लाइन किससे इंक्लाइन है, वीपी से, लेकिन देखिए कहाँ, एचपी में देखेगा, यानी ये इंक्लाइन लाइन वीपी में नहीं देखेगा, एचपी में दिखेगा, ठीक है, इन एचपी। सिंस द लाइन इज इंक्लाइन टू द वीपी, सिंस द लाइन इज इंक्लाइन टू द वीपी, देयर फॉर इट मस्ट बी पैरेलल टू। आपको पता है लाइन इंक्लाइन टू वीपी है तो एचपी में दिखेगा, आपको पता है ये लाइन इंक्लाइन टू वीपी है, इसका मतलब क्या, ये पैरेलल टू एचपी है, पैरेलल टू एचपी है, तो पैरेलल लाइन कहाँ दिखेगा, पैरेलल लाइन विल बी सीन इन द वीपी। पैरेलल लाइन कहाँ दिखेगा, उल्टा हो रहा है इंक्लाइन वीपी से तो इंक्लाइन दिखेगा एचपी में, और पैरेलल एचपी का तो पैरेलल लाइन कहाँ दिखेगा, वीपी में दिखेगा, उल्टा हो रहा है। एचपी, अब एक बात जान लीजिए, एचपी से इंक्लाइन रहेगा तो वीपी में दिखेगा, कहाँ दिखेगा, एचपी से इंक्लाइन रहेगा तो वीपी में दिखेगा, एचपी से लिख लीजिए आप, एचपी से इंक्लाइन रहेगा रहेगा तो इंक्लाइंड वीपी में दिखेगा, और वीपी से रहेगा तो, यहाँ वीपी की बात हो, वीपी से इंक्लाइन रहेगा तो इंक्लाइन एचपी में दिखेगा। ये आप समझने के लिए लिखाया हूँ, ठीक है, तो आप समझ गए। आइए एक बार मैं आपको और अच्छे से प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। देखिए ये किसके इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड वीपी के, तो इंक्लाइंड लाइन कहाँ दिख रहा है, इंक्लाइंड लाइन देखिए एचपी में दिख रहा है, इंक्लाइंड लाइन देखिए, क्योंकि मेरा हाथ से छिप रहा है, देखिए 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 देखिए, इंक्लाइन लाइन कहाँ दिख रहा है, एचपी में दिख रहा है। टॉर्च का लाइट उस तरीके से नहीं आ पा रहा है, इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। इंक्लाइन लाइन जो है, इंक्लाइन लाइन देखिए, इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन लाइन इस तरह का दिख रहा है, इंक्लाइन लाइन एचपी में दिख रहा है। किससे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है वीपी से, लेकिन इंक्लाइन लाइन कहाँ दिख रहा है, एचपी में, देखिए एचपी थीटा बना रहा है, देखिए इस तरह से लाइन जा रहा है इंक्लाइंड। अब देखिए इंक्लाइन और पैरेलल, ऑटोमेटिक ये पैरेलल टू एचपी है, तो पैरेलल लाइन कहाँ दिखेगा, पैरेलल देखिए वीपी में दिखेगा, देखिए 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 वीपी में बिल्कुल इस तरीके से बन रहा है, वीपी में इस वीपी में दिखाई नहीं हो पा रहा है लाइट की वजह से, वीपी में देखिए यहाँ से ऐसे बन जा रहा है इमेज, यानी पैरेलल टू वीपी हो जा रहा है, ठीक है, आप करेंगे खुद प्रैक्टिकल कीजिए, आपको समझ में आएगा। ओके,
तब स्टूडेंट आप ये समझ गए हैं कि वीपी से इंक्लाइन रहेगा तो इंक्लाइन एचपी में दिखेगा, और पैरेलल टू एचपी तो पैरेलल कहाँ दिखेगा, वीपी उल्टा हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, ए लाइन 60 mm लॉन्ग इंक्लाइन टू वीपी, इंक्लाइन एट 50 degree वीपी, कितना किसके से वीपी से 50 degree है। इट्स इंड एट 10 mm एचपी एट 20 mm इन फ्रंट वीपी, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन का मतलब हुआ टॉप व्यू फ्रंट व्यू, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी दिया हुआ रहेगा हम सबसे पहले पॉइंट को पता करेंगे, पॉइंट को पता करेंगे हमें लाइन हर चीज मिल जाएगा, हर चीज हम कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पॉइंट को पता करेंगे, पॉइंट को पता लगे। देखो हमें रफ वर्क में इसको करना है, इसको रफ वर्क में करना है। तो देखिए 10 mm एफ एच पी 10 mm एफ एच पी यहाँ चले आए एच पी से ऊपर, 20 mm वीपी के सामने यहाँ चला है। पॉइंट का लोकेशन यहाँ पर आएगा ए का, कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ए जो है एच पी से ऊपर है 10 mm और वीपी के सामने कितना है 20 mm, कहने का मतलब वीपी से 20 mm की दूरी पे है और एचपी से 10 mm की दूरी पे है, यही कहने का मतलब हुआ इसका। तो फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, फ्रंट व्यू आपको बनता है वीपी में, फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, फ्रंट व्यू बनता है वीपी में। टॉप व्यू कहाँ बनता है, टॉप व्यू बनता है एचपी में, टॉप व्यू कहाँ बनता है एचपी में, ये बात आपको मैं बहुत जमाने से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए से ए डैश हो गया, फ्रंट व्यू ए का छोटा ए होगा, फ्रंट व्यू में डैश लगता है इसलिए ए डैश हो गया, टॉप व्यू ए का ए हो जाएगा। इस तरह से हमारा नोटबुक नहीं रहता, नोटबुक बिल्कुल प्लेन रहता है, उसके लिए करते ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करते क्लॉक वाइज 90 degree तक, तो इसी पे आ जाता है ये। तो देखिए अब ये एच पी है, एच पी को रोटेट करेंगे क्लॉक वाइज 90 degree तक, 90 degree यहाँ से यहाँ बन रहा है, तो ये 20 का जगह यहाँ ले लेगा और ए यहाँ चला आएगा। तो इस तरीके से ए डैश और ए बनेगा, ए डैश और ए बनेगा, ए डैश और पॉइंट ए बनेगा। तो ए डैश ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे कितना है 20। हमें सिर्फ पॉइंट को दिखाना है, यानी ए डैश और ए, ए डैश और ए, ये एच पी हो गए अभी, अब समझ गए। तो आइए इसी को हम यहाँ पे बनाते हैं, ये रफ के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए किए, ठीक है। और लाइन का जो लेंथ है आपको 60 mm दिया हुआ, 50 degree इंक्लाइन टू वीपी, सब देख लेते हैं। सबसे पहले ये एचपी हो गया, ये वीपी हो गया, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 10 mm, कितना हो जाएगा 10, और नीचे 20 यहाँ हो जाएगा 20। ये एचपी से करेंगे और लाइन को 4H से ड्रॉ करेंगे, लाइन को 4H से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ए डैश हुआ और ये हमारा ए हुआ। अब देखिए जैसे ही आपको पॉइंट मिलेगा आप क्या करेंगे, लोकस लाइन खींच लेंगे। लोकस लाइन का मतलब हुआ एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है, एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल करना है, इसी को बोलते हैं लोकस लाइन। इसी को क्या बोलते हैं, लोकस, जिसको हम 4H से ड्रॉ करेंगे, जिसको हम 4H से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हमें इधर 10 और 20 दिखाना है, यहाँ पे हमें 10 और 20 दिखाना है। तो क्या करना हमें, 10 ये 10 हुआ और ये 20 हुआ, आप अच्छे से करेंगे नहीं तो डायमेंशनिंग बिल्कुल अच्छे से करेंगे। आपको पॉइंट ए डैश और ए मिल गया। लाइन का लेंथ कितना है, लाइन का लेंथ 60 mm है। लाइन इंक्लाइन कितना है, लाइन इंक्लाइन 50 degree टू वीपी है, वीपी से है। वीपी से इंक्लाइन रहेगा तो इंक्लाइन लाइन कहाँ दिखेगा, वीपी से इंक्लाइन रहेगा तो इंक्लाइन लाइन एचपी में दिखेगा, वीपी से इंक्लाइन रहेगा तो इंक्लाइन लाइन कहाँ दिखेगा, एचपी में दिखेगा, एचपी में दिखेगा। तो ये वीपी है और एचपी है, किससे इंक्लाइन बोल रहा है, वीपी से, तो दिखेगा कहाँ, एचपी में, उल्टा होता है। कितना डिग्री, 50 degree, तो 50 degree आप मेजरमेंट कर लो, 50 degree हुआ। अब क्या करोगे, आप लाइन को आप बिल्कुल 3H पेंसिल से आप ले जाओ, जितना बड़ा ले जाओ ना ले जाओ, लेकिन इसका लेंथ कितना रखेंगे, लेंथ रखेंगे 60 mm, कितना दिया हुआ है 60 mm। आप कंपास का यूज करके 60 mm ले लो या मेजरमेंट कर लो 60 mm, इसको दिखा दो 60 mm को इस तरीके से,
ये हमारा 60 mm हुआ, कितना हुआ यहाँ से यहाँ 60 mm हुआ। ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम बी हो जाएगा, क्या होगा बी हो जाएगा। जैसे आपको पॉइंट मिलेगा बिल्कुल एक्सिस लाइन के पैरेलल आप लोकस लाइन ड्रॉ कर लो, क्या कर लोगे लोकस लाइन ड्रॉ कर, पॉइंट मिलते ही लोकस लाइन ड्रॉ करना है, पॉइंट मिलते ही लोकस लाइन ड्रॉ करना है, पॉइंट मिलते ही आपको लोकस लाइन ड्रॉ करना है। देखिए पॉइंट मिला लोकस लाइन ड्रॉ किए, पॉइंट मिला लोकस लाइन ड्रॉ, लोकस लाइन का लेंथ जो है वो फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट, जहाँ तक ले जाना आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं उसे होगा। 4H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे लोकस लाइन के लिए, 4H पेंसिल का यूज़ करेंगे, ये पॉइंट हमें बी मिलेगा, बी मिला। ये हमारा 50 degree हो गया HP से, यही हमारा लाइन हुआ। तो आप समझ गए यही हमारा लाइन हुआ। तो आप लोगों ने देखा कि VP से इंक्लाइन रहा था, इंक्लाइन कहाँ दिखे, इंक्लाइन HP में दिख गया। अब देखिए ये जो लाइन है बिल्कुल इसी के पैरेलल, बिल्कुल इसी के पैरेलल आपको ड्रॉ करना ऊपर तक, ये बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल। तो यहाँ जैसे ही पॉइंट ए डैश वाले लाइन से मिलेगा तो इसको आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे बी, क्या लिखोगे बी लिखोगे और डैश लगा दोगे, ए तो ए डैश और ये बी तो बी डैश। ये जो हमें लाइन मिला ए डैश बी डैश हमें लाइन मिला, यही हो गया हमारा फ्रंट व्यू। ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट व्यू हुआ, और ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है, HP में बनता है टॉप व्यू। तो यही हमारा फ्रंट हुआ, यानी ए डैश बी डैश लाइन। VP में हमें क्या लाइन मिल रहा है, VP में क्या मिलेगा, है इंक्लाइन टू VP लेकिन लाइन कहाँ मिलेगा, VP में, ठीक है। इंक्लाइन टू VP है लेकिन इंक्लाइन दिखेगा HP में, और पैरेलल टू VP है तो पैरेलल कहाँ बनेगा, VP में। तो ये VP में बन गया पैरेलल लाइन, देख लिए VP में पैरेलल लाइन बन गया, उसी चीज़ को ये डिफाइन हो गया। ड्रो इट्स प्रोजेक्शन का मतलब होता है फ्रंट व्यू टॉप व्यू, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू हम लोगों ने दिखा दिया। एक्स्ट्रा इसके साथ इतना सीखना जरूरी है, एक्स्ट्रा में आप सीख लो कि हम लोग कैसे साइड व्यू दिखाते हैं। तो साइड व्यू दिखाने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, ये जो लाइन है थोड़ा डिस्टेंस पे आप एक बाई बाई लाइन लोगे, कौन सा लाइन लाइन लोगे, बाई बाई लाइन लोगे, कौन सा लाइन लोगे, बाई बाई लाइन आप ले लो, बाई बाई लाइन ले लो, थोड़ा दूरी पे लेना है, आप जगह कम रहने की वजह से हम लोग थोड़ा सटा के लिए हैं। अब देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे कट कर रहा, तो यहाँ से 45 डिग्री मेजरमेंट कर लो और इस लाइन को दूर तक ले जाओ, ले गए, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री है। अब देखिए ये ए है, ए को प्रोजेक्ट करके ले जाओ इसी लाइन तक, तो यहाँ पर आपको A1 लिखना है, क्या लिखना है A1। और ये बी है, बी को प्रोजेक्ट करके ले जाओ आप यही 45 डिग्री लाइन में, यहाँ पे कट किया तो इसको आप क्या लिखोगे B1, ठीक है। A1 और B1 हो जाता है 45 वाला डिग्री लाइन कट कर। अब A ये बाई बाई लाइन के बिल्कुल पैरेलल ले जाओ आप, 4H पेंसिल का यूज़ करोगे, 4H पेंसिल का यूज़ करोगे, ऊपर ले जाओ इसको। अब देखो A1 और A1 को ले गए ऊपर और A डैश इधर से आएगा, दोनों जहाँ मिलेगा इसका नाम हो जाएगा A1 डैश, क्या हो जाएगा A1 डैश, इधर से A डैश और A1, तो A1 डैश हुआ। इस तरह से सारे पॉइंट कम कर, B1 को इसी के पर ले जाओ। अब देखो B1 और ये B डैश यहाँ पे दोनों मिलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा B1 डैश होगा। तो ये जो हमारा A1 डैश B1 डैश जो होगा यही हमारा होगा साइड व्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा साइड व्यू हुआ, यही हमारा साइड व्यू, A1 डैश B1 डैश साइड व्यू। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को करेंगे, सीखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट।
तो आपने समझ गया, यहाँ तक हम लोग को जरूरी है सीखना फ्रंट व्यू टॉप व्यू, लेकिन यहाँ पे आपको साइड व्यू भी सिखाए। ओके।